नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कूलर की मोटर। अगर कूलर में लगी हुई होती है तो उसमें थोड़ा बहुत ही पानी चला जाता है तो मोटर है वो जल जाती है। तो दोस्तों एक मोटर को मैंने क्या किया है कि बाल्टी के अंदर चालू मोटर को पानी में गिराया है, फिर भी वो मोटर नहीं जली है। तो दोस्तों आप देख लीजिए वीडियो के अंदर किस तरह मैंने उसमें पानी मोटर के अंदर डाला है, फिर भी वो मोटर है वो नहीं जली है। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलो आज की वीडियो करते हैं शुरू। इसकी जो सापट है इस पर हम एक टेप लगा देते हैं ताकि हमको पता रहे कि ये सापट है घूम रही है। तो मोटर को मैं रोक कर इसमें टेप लगा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इस पर टेप लगा दिया है सापट पर, तो फिर से देते हैं इसमें, अभी भी घूम रहा है। तो दोस्तों अगर हम मोटर को इस तरह से जलाते हैं तो ये बहुत टाइम ले रही है जलने के, वो अगर कूलर में होती है तो इतना पानी में ये कभी की जल जाती। फिर से निकालते हैं मोटर को बाहर। तो अभी भी दोस्तों ये मोटर चालू है, ये देखिए ये अभी भी नहीं जल रही है। और फिर से हम इस पानी में डालते हैं। तो दोस्तों अब एम्पियर बढ़ चुके हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो एम्पियर आपको दिखाता हूं मैं। तो यहां पर देखिए एम्पियर 0.92 हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी भी ये मोटर चालू है। लगभग 2 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, फिर भी ये मोटर जल क्यों नहीं रही है पानी के अंदर। फिर से हम निकालते हैं एक बार। दोस्तों ये मोटर तो बिल्कुल भी नहीं जल रही है और पानी देखिए मोटर में कितना पानी निकल रहा है, और ये तो उतनी स्पीड से चल रही है, हो सकता है ये मोटर नहीं जलने वाली। फिर से डालते हैं एक बार। तो अभी भी मोटर बिल्कुल चालू है और मोटर चालू है और पानी मोटर में पूरा भर चुका है। तो दोस्तों अभी भी मोटर चालू है। इतनी देर पानी में डालने के बाद भी ये मोटर जल क्यों नहीं रही है, चलो निकाल कर देखते हैं। तो फिर से चालू है, अब एम्पेयर देखते हैं। तो दोस्तों उतने ही एम्पेयर ले रही है। तो दोस्तों मैंने फिर से इस मोटर को पानी में गिराया है और देखते हैं अब की बार ये जल जाएगी क्या। तो दोस्तों आप घर पर ऐसा बिल्कुल भी मत ट्राई कीजिए क्योंकि इस पानी में अभी करंट है। तो दोस्तों अब ये मोटर हो चुकी है स्लो और एम्पेयर भी उतने, तो उतने ही एम्पियर है, बल्कि ये मोटर नहीं जल रही है। ये देखिए स्पीड उतनी है। तो अब देखते हैं इसको, कंटिन्यू देखते हैं कि कितनी देर में ये जलती है। तो मैं इस पर कैमरा सेट कर देता हूँ पानी में गिराकर। अब ये जलेगी तभी मैं इसे मोटर को बाहर निकालने वाला हूँ। तो मैंने फिर से डाल दिया है और मैं कैमरा इस पर सेट कर देता हूँ।
तो दोस्तों मैंने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, तो निकालते हैं एक बार मोटर को, तो कैमरा में ऊपर ले लेता हूँ एक बार और देखते हैं कि अब मोटर घूम रही है नहीं। तो दोस्तों ये मोटर तो फिर से उतनी स्पीड से घूम रही है और उतने ही एम्पियर है। अब आपको एम्पियर दिखा देता हूँ, ये देखिए 0.64 एम्पियर ये लेकर चल रही है। दोस्तों ये मोटर जल क्यों नहीं रही है? तो दोस्तों अभी भी ये मोटर चालू है और ये नहीं जल रही है, तो चलो इसे एक बार फिर से पानी में गिरा कर देखते हैं। फिर से पानी चला जा रहा है मोटर के अंदर, पर ये मोटर जल नहीं रही है। अब धीरे धीरे एक बार मोटर को मैं निकाल कर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये मोटर चालू है। आप सोच रहे होंगे कि ये पावर निकाल देते हैं, बल्कि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम पावर नहीं निकालते हैं, धीरे धीरे मोटर को हम ऊपर लेते हैं। ये देखिए मोटर घूम रही है और फिर से हम स्पीड बन जाती है। तो दोस्तों ये मोटर नहीं जलेगी। तो दोस्तों हमने कर दी है मोटर को बंद और अब इसमें मैं हाथ डालकर देखने वाला हूँ। तो पानी है वो हल्का हल्का गर्म हो चुका है, क्योंकि जब मोटर गर्म हुई है तो पानी भी थोड़ा थोड़ा गर्म हो चुका है, पर ये मोटर जल क्यों नहीं रही है ये हमको पता लगाना है। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने पानी के अंदर मोटर को डुबो दिया है, फिर भी वो मोटर है वो नहीं जली है। और अगर वो कूलर में मोटर होती है, थोड़ा बहुत ही पानी उसमें लग जाता तो वो मोटर है वो जल जाती है। तो दोस्तों आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें पानी के अंदर करंट होता है, गलती से हाथ लग जाए तो करंट है वो शॉर्ट लग सकता है आपको। तो आपको घर पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को